स्वीटें यार हैं, आइए आइए ना, आइए आइए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं आप, लेकिन ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते वो इतनी तेज आवाज में कैसे बुलाते हो आखिर शहनशाह? वो तो ड्यूटी है, फीस मिलती है उसकी, तो फिर करना पड़ता है। अरे यार हमारे लिए थोड़ा मुफ्त में बुला लो आज, बुलाओ जरा, आप प्ले कर लो पहले। बादप्पा मुलाहिदा होशियार संदे में निगार है तमाम होश फिर पेशे बादशाह रहे जाने हिंदुस्तान नूरे चमन नाज़ मुगलिया तख्त ताजपुर नूरपुर जदान मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह आदम जस्तजू रहे सरे रा निगाह झुकी रहे सरबा सरबा जानशीन हो सजदे में हर खास आम रहे निगाह है बोसी करे हुकूमत ते दिल तामीर करे आवाज बुलंद जोशो खरोश हर कदम आफरीन हौसले वाहिद शहंशाह आलम बड़ा जलाल फिर नूरे तक आपको होते हैं। हो जाता है, दिन हो जाता है, ऐसा होता है क्या? मैंने भी सुना था।
होता क्या है? कुछ नहीं, आधे तो लोगों को समझ में नहीं आता तो उनको समझाना पड़ता है कि मैं क्या गा रहा हूँ। फिर आगे तो अब देखते हैं, दिए तो जल नहीं रहे, यहाँ तो ट्यूबलाइट है। सर मैं बताऊँ, ये आपकी गलती है जो मैंने नाम ऊपर नीचे कर लिए। आपको बुलाना था दूसरों को कि आप जब आते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन फिर भी मैं सवाल जरूर पूछूंगी, क्या है आजादी आपके लिए? मेरे लिए आजादी है कि लोग मेरा संगीत समझें, मुझे समझें और मुझे गाने का मौका दें। सर बड़े सारे रियलिटी शोज आ गए हैं आज। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर यहाँ से ही फुर्सत नहीं मिलती तो। चलिए अब जब संगीत की बात हुई है तो कोई सुर छेड़ेगा तो कोई उस पर नृत्य भी करेगा। नृत्य की बात होगी आगे, लेकिन उससे पहले हम बुलाना चाहेंगे। नहीं अभी नहीं आए, बुलाना मत पूछा, बहुत तंग कर रखा है। तुम क्या कर रहे हो यार? ओ मामू जान, हां ठीक है। फिर यार इसके गाना सुन प्लीज। हां नहीं नहीं, हम मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी। लेकिन अच्छे आदमी है, क्या परेशानी है उनसे? आप परेशानी मेरी कुछ नहीं है, ये बीरबल कहां से आ धमका है, जापना को तंग करता रहता है मेरी नहीं बस उससे आजाद। जापना तो कहते हैं कि जब भी वो फंसते हैं तो उनको बीरबल ही बचाता है, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल। अरे कहना पड़ता है, वो क्या है ना, उसको फुसलाना पड़ता है। किसको? बीरबल को फुसला के रखा हुआ। अच्छा। मैं चाहता हूँ जिस दिन बीरबल निकल जाए उस दिन मेरी आजादी हो जाएगी बस। तो ये कहीं यही तो नहीं है आपके लिए आजादी? बहुत चालाक है आप। क्या करें बचपन से। चलिए तो अपनी चालाकी को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग हमारे स्टेज पर रंग बिरंगे जो है वो सजे हुए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो लेडीज हैं शो की वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं आज। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे उन्हें जो जान है इस शो की, किशोर मर्चेंट यानी की उर्वशी। कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छी लग रही है। अरे अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही है। शुक्रिया। एक्चुअली तो ये बताइए मुझे, उस दौर में जब गीत संगीत ही इकलौता मनोरंजन होता था, तो अगर मैं आपको कहूं कि मनोरंजन ही आपसे छिन जाए, उसी से आपको आजादी मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बट ठीक है, अगर आपको मनोरंजन लेना है तो ले सकते हो, पर आजादी के बाद फिर मुझे बीरबल चाहिए। अगर हाँ, अगर वो छीन रहे हो तो फिर कुछ तो कॉम्पनसेशन चाहिए उसके लिए। आप इनके साथ खड़े होकर ये बात करें। ये क्या कर लेंगे बीरबल, इनको क्या कर लेगा? आपके लिए क्या है आजादी? मेरे लिए आजादी छोड़िए। जाने दीजिए। नहीं जाने नहीं दीजिए। ये मतलब मेरा मतलब था कि ये सवाल करना छोड़िए, और अगर मुझे आजादी मिलेगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं बीरबल को भी अपनी तरह राज नर्तक बना के और उनके साथ दरबार में नृत्य। वैसे भी आपके इशारों में तो नाच ही रहे हैं वो, तो राज नर्तक तो हो ही गए। चलिए आगे बात करते हैं उनकी, उनको बुलाते हैं जो जिनके इशारों पर, जिनकी उंगलियों पर मतलब इतने लोगों को आप संभाल कैसे लेती हैं शो? बहुत ही प्यारे लोग हैं हमारे दरबान, हमारे बेटे, हमारे वासु, हमारे तानसेन, हमारे भाई साहब, हमारी उर्वशी और हमारे बीरबल भी बहुत ही प्यारे हैं। शहंशाह अकबर तो हमारी जान है, उनके बिना तो हम सब है ही नहीं। प्यार। अरे ये भी कोई प्रश्न है? हमारे मैके में प्रश्न हुआ करते थे, और क्या प्रश्न हुआ करते थे, क्या होते थे, क्या होते थे कि जवाब देने का वक्त ही नहीं होता था। बस आजादी हमारे लिए क्या है आपने पूछा? आजादी हमारे लिए वो है कि हम खुले आम अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे अच्छे गहने खरीद सके, अच्छी अच्छी जूतियां, अच्छे अच्छे बालों की श्रृंगार सब कुछ खरीद सके। और अकबर बादशाह दीवाने खास में बॉस है, हम घर पे बॉस है। मैं इन सबको आजादी की कीमत बताने के लिए इस वेशभूषा में आया। उस जमाने में आजादी बिल्कुल थी, और
उससे ज्यादा जरूरी था कि लोगों को, अपने प्रजा को ये बताना कि अगर आजादी न हो तो क्या होगी। तो इन सबको आजादी की, क्या होता है ना कि जो चीज हमारे पास होती है उसकी कीमत हमें नहीं होती, और जो चीज नहीं होती है वो सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो इन सबके पास आजादी थी उस वक्त, जैसे आपने कहा, तो हम इस वेशभूषा में आए ताकि इन्हें बता सकते कि अगर आजादी ना हो तो क्या हो। तो इसी बात को समझाने के लिए हमने एक वीडियो फुटेज तैयार किया है, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज उसे प्ले किया जाए। Before that, they'll have to see the episode. आपने हमसे नहीं पूछा कि हमारे लिए आजादी की कीमत क्या है, आजादी क्या मायने रखती है? चलिए आपने पूछा तो पूछ लेते हैं। पहले आप, मैं रानी साहिबा से इंप्रेस हो गई थी कि सवाल थोड़ी ना हुआ, मतलब इनके मायके में तो ऐसे सवाल होते थे जिनके जवाब ही नहीं मिलते थे। इनसे कौन इंप्रेस नहीं, यहाँ पर सभी इंप्रेस। आपने इन सबको पूछा कि आजादी की कीमत आपके लिए क्या है, या आजादी आपके लिए क्या मायने रखती है? जी बिल्कुल, हम तो आपको करके बता सकते हैं कि आजादी हमारे लिए क्या मायने रखती है। यहाँ पहले एक छप्पी दीजिए।